Hey guys, welcome back to my channel. तो आज ना मैं आप लोग के लिए बहुत अमेजिंग से DIY लेकर आई हूँ. क्या है ना, अभी ऐसा DIY लेकर आई हूँ जो आजकल ना बहुत ट्रेंड में है. DIY ट्रेंड में नहीं है, प्रोडक्ट ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा. एंड इट्स लाइक कि एवरीवन इज यूजिंग इट एंड एवरीवन इज लविंग इट. आई एम श्योर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद ना बिल्कुल आप ट्राई करने वाले हो उसको, क्योंकि ये बहुत अच्छा है. मतलब बहुत अच्छा है ना, आपको मैं करके दिखाती हूँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये दिखाने के लिए. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियो का अपडेट आपको हाल मिल सके. ठीक है, तो मैं मेरा वीडियो स्टार्ट करती हूँ फटाफट से. तो आज मैं बनाने वाली हूँ ना चीक एंड लिप पेंट, है ना अमेजिंग सा. वो भी घर पर बहुत ज़्यादा कम प्राइस में, और आई एम श्योर आप इसको बहुत पसंद करने वाले, बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो उसके लिए ना हमें कुछ नहीं लेना है, बस सिंपल से चार चीज़ें लेनी है. स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, एक साथ नहीं बता रही हूँ. तो सबसे पहले तो ये चीज़ों में इंक्लूड करना है, ये तो सिर्फ मिक्स करने के लिए. बाउल एंड स्पून. फिर उसके बाद आपको लेना है ये एलोवेरा जेल. आप कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हो, मेरे पास ये पतंजलि का है तो मैं ये ले रही हूँ. आप कोई भी ले सकते हो. आपको बस इसका हाफ स्पून जेल लेना है, ये रही हाफ स्पून जेल. ठीक है, अब इसको कटोरी में डाल दिया मैंने. अब इसको ना हमें तब तक मिक्स करना है ना जब तक ये थोड़ा सा ना इसे क्रीमी सा ना हो जाए. अभी ये जेल कंसिस्टेंसी है इतना करना है कि बिल्कुल एकदम क्रीमी सा हो जाए. एलोवेरा जेल आज के टाइम में तो सबके घर में होता है. और हाँ, प्योर एकदम नेचुरल मत लें, मतलब मेरा कहने का मतलब है एकदम प्लांट से निकाला हुआ मत लें इसमें यूज़ करने के लिए. जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसको यूज़ करें आप. अब मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून, यही सेम स्पून गुलाब जल. मेरे पास ये बंजारा का गुलाब जल है, आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हो. और बंजारा गुलाब जल ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा सही क्वांटिटी में आता है. ये 500 ml है और ये आई गेस कुछ 100 rupees का मुझे पड़ा था. बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है ये, तो आप यूज़ कर सकते हो. इसका मैं 4 टेबल स्पून गुलाब जल लूँगी और उसी बाउल में डाल दूँगी. ये मैंने गुलाब जल डाल दिया है. अब जो एलोवेरा इसमें था वो मैं इसको मिक्स कर दूंगी इसमें. अभी पूरा मिक्स हो गया है, ये ऐसा हो गया है एकदम पतला सा. अब इसमें जो हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है वो है कोई भी ऑयल. आप चाहो तो कोई सीरम ले सकते हो. मैं मोस्टली ये बादाम का तेल यूज़ करती हूँ अपने फेस पे. मतलब ये बहुत, मतलब मुझे बादाम तेल बहुत पसंद है. ये नॉन स्टिकी होता है आपके फेस पे, और जैसे आपके डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है. आप उसको मसाज करो तो बहुत अच्छा रहता है ये आपकी स्किन के. तो मैं ये आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ. मेरे पास कोई सीरम या कुछ नहीं है, मैं आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ. तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ इसमें भी. आप चाहो तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल सीरम या कोई भी अलग दूसरा ऑयल ले सकते हो. ऑलिव ऑयल जो आप प्रेफर कर रहे हो वो आप ऑयल ले सकते हो सर. तो मेरी कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन है, तो मैं इसमें 4 ड्रॉप्स डालूंगी ऑयल के. 2 3 4, देख रहे हो क्या परफेक्ट मैंने निकाला था बिना ड्रॉप के, सिर्फ 4 बूंदें निकली. अब बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं जल्दी इसको मिक्स कर देना. बहुत सुंदर प्रिंट निकलता है यार ये. ये तेल डालने के बाद, मतलब ऑयल डालने के बाद ये ऐसी होगी. यही स्पून से हाफ स्पून रेड कलर बड़े आराम से निकालने वाली हूँ मैं इसको भी. मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, फिर क्या तो मुश्किल हो जाएगी मुझे. अरे गिर गया, दिख रहा होगा ना आपको. वैसे मैं ऐसे पोर करके भी दिखा देती हूँ. तो ये मैंने इसमें से डाल दिया है, ये खून बन चुका है. अगर आपको दिख रहा हो तो फलने से बच गया, बच गया. अभी मैं इसको कर दूंगी मिक्स. ओह माय गॉड, आपको कलर, क्या आपको कलर दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, इतना डार्क कलर है कैसे नहीं दिखेगा. तो ये हो गया है बनके रेडी. अब आपको इसको छोड़ देना है ना आधे घंटे के लिए. तो कुछ थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, अच्छी चीज़ में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है. वो नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा. तो
आधे घंटे के लिए इसको हमें रख देना है ऐसे ही नॉर्मल, फिर उसके बाद हमें इसको ट्राई करना है। तो मिलती हूँ मैं आपसे हाफ एन आवर बाद। हाँ तो भाई हो गए हैं हम हाफ एन आवर कम्प्लीट, अब है टाइम इसको ट्राई करने का। तो अभी मैं आपको लगाते दिखाती हूँ अपने गालों पर। तो लेट्स ट्राई दिस। ब्लश के साथ साथ ना ये इससे थोड़ा सा ना इसे ग्लो भी दे रहा है आपके चेहरे पे, लग रहा है एकदम मस्त मस्त। तो ये था मेरा लिप एंड चीक टिंट ना। अब आप इसको ना किसी में भी स्टोर कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ड्रॉपर बोतल है तो उसमें स्टोर कर सकते हो आप, वरना आप कुछ ऐसा ऐसी बॉटल ले सकते हो आप। जैसे मेरे पास ये ड्रॉपर टाइप बॉटल है ना, ये इसे करने पर सिर्फ ड्रॉप से निकलेगा ये, वरना अगर आपके घर वाले भी मेरे घर वालों की तरह होम्योपैथी में ज़्यादा बिलीव करते तो आपके घर पर भी काफ़ी सारी होम्योपैथिक बॉटल्स होंगी जिसमें वो लिक्विड वाली दवाई आती है ना, वो पानी के साथ डालते हैं कुछ कर दीजिए, हाँ वही। तो उसमें ना ये से ड्रॉपर टाइप आती है वो बॉटल, तो आप वरना ये भी ले सकते हो इसे घर ही घर में, तो इसे वरना आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, छोटी सी डब्बी भी ले सकते हो उसमें भर के से रख सकते हो, और नॉर्मल बड से आप इसे लगा के उसको ऐसे कर सकते हो, वरना ऐसे उंगली डालोगे तो आपकी उंगली का भी हाल ऐसा होगा, ठीक है। तो वो उसमें से तो शायद आप बचना चाहोगे ना, तो वो आप नहीं यूज़ करोगे। तो मैं आप भर दूँगी इस बॉटल में, और आपको ये जो आज मैंने बनाया है इतना awesome सा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी ये पसंद आया ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना, और कौन कौन इसको ट्राई कर रहा है और कौन कौन ट्राई करने के बाद भी मुझे प्लीज़ बताना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ सर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और मैं कैसे भूल सकती हूँ यार, हाउ कुड आई फॉरगेट दिस। थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। अरे बाप रे, मतलब जब हुए ना तो मैं बहुत खुश थी। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने कर लिए, भले ही धीरे धीरे बढ़ना लेकिन हुआ, एटलीस्ट हुआ। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज, थैंक यू सो मच। 1000 के की फैमिली हो गई अब हमारी, होपफुली धीरे धीरे और बढ़ेगा हमारा चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप मोटिवेटिंग मी। कमेंट्स करके बताना, लाइक करके बताना, आपके से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये वीडियो ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, पर मैंने बोला आज 1000 सब्सक्राइबर हो गए, आज तो मैं इसको बना ही डालती हूँ। इतनी मस्त है ना, ऐसे बनाओ और सब डालो और ऐसे यूज़ करो ना, तब ज़रूर मुझे ना ऐसे इंस्टाग्राम पर टैग करके बताना कि आपने इसको बनाया, प्लीज़ यूज़ करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो मैं तो होप कर रही हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। बहुत सस्ती रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सस्ती रेसिपी है, कोई ऐसा तामझाम वाली चीज़ नहीं इसमें, फटाफट से होने वाली चीज़ है। मैं तो वीडियो बना रही थी तब बोल रही थी तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना ऐसे ना शांति से बनाओगे ना 5 मिनट का भी काम नहीं। तो जल्दी जल्दी से बनाओ इसे जाके, और ये आज आपकी भी आपको आज अब मैं बहुत खुश हूँ। आपको अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे शेयर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल को शेयर भी कर ही देना। तो चलो आज की वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।